हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई एक वीडियो बनाओ, हाउ टू फ्री डाउनलोड पबजी मोबाइल इनटू पीसी, पबजी को पीसी में कैसे इंस्टॉल करते हैं, पबजी को पीसी में कैसे लॉग इन करते हैं, पबजी को पीसी में कैसे खेलते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा यार चलो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए जो उन लोगों की हेल्प हो सके जो इसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर न्यू जो पबजी यूजर है जो अभी खेलना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में फ्री में पबजी को इंस्टॉल कर सकते हैं और फ्री में जो है खेल सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, बिना समय गवाए हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, गूगल पे आपको सर्च करना है पबजी एमुलेटर। जब पबजी एमुलेटर आप सर्च करेंगे तो नीचे बहुत सारे आपको वेबसाइट दिखा के लिंक दिखाई देंगे, जिसमें से आपको tgb.qq.com ये जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है आपको सेकंड वाला, इस वेबसाइट पे आपको आना है। तो आप देख सकते हैं कि वेबसाइट का कुछ इंटरफेस कुछ ऐसा है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और उसका जो सेटअप फाइल है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसका सेटअप फाइल डाउनलोड कर लेंगे तो ये क्या करेगा, ये इसके इंजन को डाउनलोड करेगा। ओके, ये सिर्फ सेटअप फाइल है, ये उसके इंजन को डाउनलोड करेगा जिससे कि पबजी चलता है आपके एमुलेटर में। अब क्या करेंगे, चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। अब इसका इंस्टॉल का प्रोसेस देखते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं, ये रहा। अब इसको इंस्टॉल जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होने लग जाएगा और उसका इंजन जो है पबजी का उसको ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। और उसके बाद ये इंस्टॉल जब हो जाएगा तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा और इंजन क्या करेगा, आपका मेन फाइल को डाउनलोड करेगा। जैसे कि पबजी का जितना भी बड़ा फाइल होता है 1.8 GB, वो पूरा का पूरा फाइल जो है वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप जब इंजन के बाद आपका जो मेन फाइल डाउनलोड होगा तो वहाँ पे आपके पास कम से कम एटलीस्ट 3 GB तक आपके पास नेट होना चाहिए या फिर 2.5 GB तक एटलीस्ट होना ही चाहिए। क्योंकि अगर कम अगर नेट रहा आपके पास तो क्या होगा कि ये आधे में ही अटक जाएगा, राइट? तो आपको डाउनलोड करने के लिए आपके पास नेट एनफ होना चाहिए। तो उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिक जो है पबजी का इंजन जो है स्टार्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट हो गया और ये क्या करेगा, उसका मेन फाइल जितने भी सोर्स फाइल है जितने भी अपडेट्स है सारा का सारा ये जो है डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है और 5% के बाद जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो पबजी जो है आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक जो है स्टार्ट हो जाएगा, आपको कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक बार ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा। ओके, तो उसको देख सकते हैं यहाँ पे रीस्टार्ट ये हो रहा है और ये जैसे ही 100% होगा तो आपके कंप्यूटर पे जो है या फिर लैपटॉप पे जो है पबजी जो है फाइनली स्टार्ट हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं इसकी लोडिंग तक। और ये रीस्टार्ट हो रहा है, अभी एक बार रीस्टार्ट करके जितने भी सेटअप को इसने डाउनलोड किया है उसको एक बार रीसेट करेगा ये, ठीक है? तो हम थोड़ा देख सकते हैं फाइनली गाइस हमारा पबजी जो है हमारे पीसी पे जो है फाइनली डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे जो दिख पा रहे हैं आप, ये पबजी का इंटरफेस कुछ ऐसा है, ठीक है? अभी ये जो है 221 MB का जो ये अपडेट डाउनलोड हो रहा है, ठीक है? ये अपडेट है, जो न्यू अपडेट जो आते हैं ना वो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसमें भी कुछ टाइम लगेगा आपको 20-25 मिनट का। तो यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग करता हूँ। और उसके बाद फाइनली दोस्तों जब ये देखिए यहाँ पे हो गया, अब ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा उसको, ठीक है? अब ये इंस्टॉल हो रहा है, जितना भी डाउनलोड किया इसने अपडेट कर रहा है। उसके बाद क्या करेगा, ये आपसे पूछेगा कि आपको पबजी कैसे खेलना है, ट्विटर या फेसबुक, अपने उस फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कीजिए जिस फेसबुक अकाउंट से आप खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, और मैंने लॉगिन कर लिया है, आप देख सकते हैं अब मेरा गेम जो है स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस, मेरा गेम स्टार्ट हो जाएगा, ये लोडिंग ले रहा है और थोड़ा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा लोडिंग ले रहा है। और देख सकते हैं गाइस ये जो है फाइनली मेरे पीसी पे जो है पबजी जो है स्टार्ट हो चुका है और मैं जो है अपने लॉबी पे जो है आ चुका हूँ डिस्प्ले पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने भी पबजी को डाउनलोड कर लिया होगा और आप भी जो है आप इंजॉय कर पाएंगे पबजी को। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि पबजी का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम उतना सिस्टम रिक्वायरमेंट आपका होना चाहिए, तभी जो है आप स्मूथली खेल सकते हैं पबजी को। अगर उससे कम हुआ, उसके रिक्वायरमेंट के बराबर नहीं हुआ, तो आपके पबजी में लैगिंग और बहुत तरह का इश्यू आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस,
आप अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट को चेक कर लें, उसके बाद आप इसको खेल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत है या फिर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। आई होप ऐसी वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, साथ ही कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो पसंद क्यों नहीं आया। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।